तुम क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट FIA के पास पेपर से रिलेटेड MCQ डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आपने किसी भी जॉब पर किसी भी पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है तो ये MCQ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलते हैं आज की इस वीडियो पर। वीडियो पर जाने से पहले हमारे चैनल ब्रांडिंग स्टडी को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन आपने ज़रूर ऑन कर लेना है, ताकि जो इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की जो वीडियो है FIA के पास पेपर से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको आपके स्क्रीन पर मिलता रहे। आज की वीडियो का फर्स्ट MCQ है, दिस सेंट्रल मोहम्मडन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1877 बाय, कि जो सेंट्रल मोहम्मडन एसोसिएशन 1877 में बनी थी उसको किसने बनाया था? सैयद अमीर ने। सी वाला MCQ करेक्ट है। नेक्स्ट, लियाकत अली खान ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ मेंबर इन, के लियाकत अली खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एज अ मेंबर कौन से ईयर में ज्वाइन किया? 1923 में लियाकत अली खान ने एज अ मेंबर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। पाथवे टू पाकिस्तान इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, पाथवे टू पाकिस्तान इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ चौधरी खालिकुज्जमान। बी वाले MCQs करेक्ट है। नेक्स्ट, मोहतरमा फातमा जिना ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन, के मोहतरमा फातमा जिना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कौन से ईयर में ज्वाइन किया? 1939 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मोहतरमा फातमा जिना ने ज्वाइन किया था। मस्त वकली वाज पोइट ऑफ बलूची लैंग्वेज, ए वाला MCQ करेक्ट है, बलूची लैंग्वेज। नेक्स्ट, ताइवान वाज सेपरेटेड फ्रॉम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, के ताइवान जो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से कौन से ईयर में अलग हुआ? तो 1949 में ताइवान पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से अलग हुआ। अब्दुल कासम अल ज़रदारी वाज ग्रेट ग्रेटेस्ट मुस्लिम, अब्दुल कासम अल ज़रदारी वाज ग्रेटेस्ट मुस्लिम सर्जन। सी वाला MCQ करेक्ट है। नेक्स्ट, विच इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स, के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिहाज से बिगेस्ट मार्केट पाकिस्तान के लिए कौन सी है? USA की मार्केट पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के लिहाज से सबसे बड़ी मार्केट है। विच सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गैस, के कौन से सेक्टर में गैस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है? तो पावर सेक्टर में जो गैस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, गैस सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है। हना लेक इज सिचुएटेड इन, हना लेक इज सिचुएटेड इन क्वेटा। ए वाला MCQ करेक्ट है। चौधरी रहमत अली वाज बरीड इन, के जो चौधरी रहमत अली है उनको किधर दफनाया गया? कैम्ब्रिज में। बी वाला MCQ करेक्ट है। विच इज़ द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा मिरेकल है वो कौन सा है? होली कुरान। सी वाले MCQ करेक्ट है। दी एज ऑफ हजरत उस्मान एट द टाइम ऑफ शहादत, के हजरत उस्मान की शहादत के टाइम कितनी जो है ए थी 80 साल थी। ए वाले MCQ करेक्ट है। हु वाज द मदर ऑफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान की जो वालदा माजदा का नाम था वो उर्वा था। ए वाले MCQ करेक्ट है। नेक्स्ट, विच प्रोफिट इज टाइटल्ड एज अबू अल बशर, कि कौन से प्रॉफिट को अबू अल बशर का जो है लकब दिया गया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबू अल बशर का लकब दिया गया। ए वाला MCQ करेक्ट। विच वन ऑफ दीज मदनी सूरत, के जो नीचे दिए गए सूरत हैं इनमें से मदनी सूरत कौन सी है? सूरत अल बकरा है, क्योंकि मदनी सूरत है और ये कुरान की सबसे लंबी सूरत है और सबसे लंबी आयात इसी सूरत में है। ठीक है, विच प्रोफिट वाज ईटन बाय फिश, के कौन से पैगंबर को प्रोफिट को जो है फिश ने निगला था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। बी वाले MCQ करेक्ट है। विच वाज फर्स्ट रिवील्ड डिवाइन बुक, के जो सबसे पहली डिवाइन इल्हामी किताब थी वो कौन सी थी? वो तुरैत थी। और आपने मुझे बताना ये किस प्रोफिट पर नाजिल हुई? ए वाले MCQ करेक्ट है। विच इज द सेकेंड पिलर ऑफ इस्लाम, के इस्लाम का जो सेकेंड पिलर है वो कौन सा है? सलात इस्लाम का सेकेंड पिलर है, अरकान इस्लाम में से दूसरा नंबर इसको हासिल है। नेक्स्ट, हजरत उमर बिलोंग टू विच ट्राइब, के हजरत उमर का ताल्लुक किस कबीले से है? तो हजरत उमर का ताल्लुक बनू अदी कबीले से है।
उम्मीद है आज की इस वीडियो के तमाम एमसीक्यूज आपको पसंद आए होंगे और वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो हमारे चैनल ब्रांडिंग स्टडी को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन आपने ऑन कर लेना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किस वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।